वही टच कौन नहीं करता? माँ भी अपने बच्चे को टच करती है, एक बाप अपने बच्चे को टच करता है। एक बाप की छोटी सी तो बेटी ने जन्म लिया, उसको नहलाता है, धुलाता है, उसके कपड़े पहनाता है, उसके कपड़े चेंज करता है। तो क्या उसने किया ये ऑफेंस? लेकिन टच, टच हाँ टच तो किया, बिना टच किए कैसे कर लेंगे? टच तो किया, तो टच करना ऑफेंस थोड़ी ना हुआ। टच करना ऑफेंस नहीं है। बस में हम लोग चलते हैं, भीड़ हो रही है, जल्दी निकलना है, तो टच तो होते ही है। अचानक गाड़ी में ब्रेक लगे, टच हो गए। अरे 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 ये टच हो गए, भीड़ में टच हो गए। बच्चों को हम अपने टच करते हैं, तो टच करना ऑफेंस नहीं है। वो टच आपने किस आशय के साथ किया है, किस इंटेंशन के साथ किया है, वो मायने रखता है। सेक्सुअल इंटेंट। अब जो एडवोकेट होते हैं, एक्यूज साइड से डिफेंस काउंसिल होता है, वो उसको केवल ये साबित करना होता है कि मैंने इस इंटेंशन के साथ इसको टच नहीं किया था। अब आप प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होता है कि इसने जो टच किया था वो इस इंटेंशन के साथ किया था। प्रोसिक्यूशन यह साबित करेगा कि सेक्सुअल इंटेंट इंटेंशन कैसा था, सेक्सुअल इंटेंट था इंटेंशन। वो क्या साबित करेगा कि मैंने इंटेंशन सेक्सुअल नहीं था। यहीं पे खेस, यहीं पे ये सब कुछ लड़ाई कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस अब आपको, अब आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ ऐसी दलीलें देनी होंगी, ऐसे रूलिंग्स पेश करने होंगे, आपको ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर आपकी बात साबित कर सको कि मेरा इंटेंशन सेक्सुअल इंटेंशन नहीं था। जैसे ऐसा बहुत भीड़ थी और सामान गिर रहा था मेरी दुकान का, और उसको संभालने के लिए मैंने इन बच्चियों को दूर किया, तो मेरा हाथ टच हो गया होगा उसके ब्रेस्ट पे, टच हो गया होगा, कहीं हो गया होगा, मेरा वो इरादा नहीं था। तो आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? बताओ कहाँ खड़ी थी, क्या हो रहा था? तो यहां इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल इंटेंशन से अगर आपको टच किया है तब तो ये ऑफेंस बन गया, अदरवाइज नहीं। टच की बात हो रही है, बस केवल ये ध्यान रखना। टचेस, पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है कहीं, टच करने की बात हो रही है। तो इसने कहा जो कोई लैंगिक आशय के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, बालक की योनि। अब टचेस, टचेस में क्या टच कर रहे हैं? ऑफ द चाइल्ड। तो हू एवर विथ सेक्सुअल इंटेंट टचेस वेजिना पेनिस एनस ब्रेस्ट, किसका? द चाइल्ड। गर्ल नहीं है, बॉय नहीं है, चाइल्ड, ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द चाइल्ड, वो टच कर रहा है। और मेक्स हू एवर विथ सेक्सुअल इंटेंट टचेस, और मेक्स, मेक्स करवाता है, वो उसको टच कर रहा है, या फिर वो उससे करवाता है टच। हू एवर हो गया ना, मेक्स द चाइल्ड, मेक्स द चाइल्ड, हू एवर मेक्स, हू एवर मेक्स द चाइल्ड, या बालक को, मेक्स द चाइल्ड, इसका मतलब हुआ बालक को, और मेक्स द चाइल्ड बालक को टच द वेजिना, बालक को किसका? यहां तो बात हो गई कोई बड़ा कर रहा है बच्चे का, अब बच्चे से करवा रहा है किसका? तो यहां आएगा बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि। अब ये जो वेजिना है किसकी है? इस व्यक्ति की, सच पर्सन। पेनिस अपना,
अपना पेनिस टच करवाने की बात करता है, अपना अपना ब्रेस्ट और एनी अदर पर्सन किसी और व्यक्ति के, तैयार करता है, मेक्स बालक को तैयार करता है, मेक्स तैयार करता है, किस बात के लिए तैयार करता है, कि तू उसके ये कर। या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना। एक तो सेक्सुअल असॉल्ट में तो एक तो ये कहानी आ गई, जो कोई सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करेगा किसी बच्चे के वेजिना पेनिस एनस ब्रेस्ट को टच करेगा, या उस बच्चे को तैयार करता है कि उसका या किसी अदर व्यक्ति का वेजिना पेनिस एनस ब्रेस्ट को टच करे। एक कहानी तो ये है। दूसरा इसके अंदर, और डज एनी अदर एक्ट, एक तो ये हो गया और एनी अदर एक्ट, ये टच टच है ना, तो अब अपन इसको इधर लेते, एनी अदर एक्ट, एनी अदर एक्ट। अब देखो भैया कौन सा एक्ट करने की बात कर रहा है, यहां तो समझ में आ गया, एक दो तीन चार, वेजिना पेनिस एनस ब्रेस्ट टच करने की बात, अब आ रही है एनी अदर एक्ट, बोलो कौन सा, बोलो कोई सा भी, बोला कोई सा भी, अन्य कोई भी करते, अच्छा तो पेनिट्रेशन कर दे, नहीं नहीं नहीं, पेनिट्रेशन मत करना, क्यों, क्योंकि पेनिट्रेशन वाले के लिए तो अलग से बताया हुआ है। तब यहां कहता है डज एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट, यानी यहां पर भी वही सेक्सुअल इंटेंट, ऑब्वियसली सेक्सुअल इंटेंट तो हर जगह जरूरी होगी, विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टेक्ट, कहीं भी नहीं छोड़ा है, कितना अच्छा एक्ट है ये बच्चों को पूरी प्रोटेक्ट करने के लिए, फिजिकल कॉन्टेक्ट, ये लो भैया आ जाओ, फिजिकल कॉन्टेक्ट, तुम होते कौन हो उसको गले लगाने वाले, तुम होते कौन हो उसको गले लगाने वाले, तुम रिश्तेदार आपस में अपने छोटे छोटे बच्चों को कौन प्यार नहीं करता, सब प्यार करते, मेन चीज क्या है, सेक्सुअल इंटेंट, फिजिकल कॉन्टेक्ट, इसने तो बिल्कुल, तो फिजिकल कॉन्टेक्ट करके साफ जाहिर कर रहा है कि तुम और बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए। चलो एनी अदर एक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट, आगे कहता है विदाउट पेनिट्रेशन, विदाउट पेनिट्रेशन, एक चीज के लिए नेगेटिव आ गया यहां पर भैया, विदाउट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, तो यह कहा जाएगा कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। अब यह आपका एक ऑफेंस आपका कंप्लीट हुआ है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे ऑफेंस करता हुआ पाया जाता है और साबित हो जाता है, तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, यह दे रखा है आठ में, यह दे रखा है आठ, आठ में क्या बताया है, Whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either description। तो यहां पर बात आती है पनिशमेंट की, तो सबसे पहले इसने बताया भैया उसको पनिशमेंट की बात आई तो इंप्रिजनमेंट मिलेगा साहब। अब इंप्रिजनमेंट दो तरह का होता है, सिंपल और रिगरियस, कोई सा भी हो सकता है, तभी तो लिखा है इधर डिस्क्रिप्शन, फॉर ए टर्म विच शैल नॉट एक्ट लेस देन थ्री इयर्स। अब यहां पे जो इंप्रिजनमेंट है वो बताया हुआ है नॉट लेस देन, कम से कम तीन साल, विच में एक्सटेंड टू फाइव इयर्स, इसका मतलब मैक्सिमम पांच साल, मैक्सिमम पांच साल, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, एंड फाइन, बस